थोड़ा नाखुश है कि जिस तरीके से ये शादी का बिल्डअप हुआ है, बट फिर भी बाकी मैं देख सकता हूँ कि मेरे परिवार वाले भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं इस चीज़ को लेके, और जो नंदिनी के परिवार वाले हैं वो बहुत खुश हैं, उनके परिवार वाले और कॉलोनी वाले जहाँ तक मुझे मालूम चला है नंदिनी भी काफ़ी एक्साइटेड है शादी को लेके, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। जी तो देखिए, एक कहते हैं एक थिंकिंग गैप होता है, तो मेरे ख्याल से वो मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड है, तो मेरे ख्याल से मेरे फैमिली वालों ने इस चीज़ को मेंटली अभी डिसाइड नहीं किया है, तो वो देखते हैं फिर आगे कैसे होता है, नंदिनी जब घर आती है तो क्या माहौल होता है और कैसे वो टैकल करती है सब। ओके, तो शादी में बहुत ज़्यादा ये होने वाला है कि दूल्हा भाग जाएगा। ये तो मुझे पता नहीं, इतना पता है मैं भाग रहा हूँ, बट दूसरे दूल्हे की एंट्री हो रही है इतना तो मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता आपको, बट हाँ उसके लिए आप ज़रूर देखिए सोनी टीवी पे हमारा शो। तो आई होप ये जो शादी है ये टेलीविजन की बहुत धमाकेदार शादी होने वाली है। हाँ, तो अच्छा कॉस्ट्यूम के बारे में बताइए, ये कॉस्ट्यूम इसमें 2-3 महीने का टाइम गया है इस कॉस्ट्यूम में बनाने में। ये कॉस्ट्यूम जो है ये हाँ जैसे आप देख सकते हैं ये जो है ये फ्रेश व्हाइट वाटर पर्ल से बनाया गया है, जो कि हमारी मम्मी गायत्री देवी ने भेजा था डिजाइनर के पास बनाने के लिए। ये पूरा हैंड क्राफ्ट किया गया है, जला के इसको कटिंग दी गई है, एजेस दी गई हैं ताकि डिटेल वर्क उसमें देखें, और ये इस पूरी ड्रेस की मेहनत के जो पीछे है जो डिज़ाइनर हैं वो हमारे रियाज गांजी हैं जिनका शोरूम लिबास है, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसमें, तो ये दिख भी रहा है। सहरा बहुत अच्छा जी, ये सहरा भी उन्हीं की तरफ से ही है, उनको हमने सारी डिटेलिंग बता दी थी हमारी मम्मी ने, तो अभी उन्होंने इसके अकॉर्डिंग सारी हमने चीज़ें हमें अरेंज करके दे दी। जी ये आप बोले किसी को चलाना तो वो नहीं कर सकते। हाँ, ये और क्या खास खास मैंने अभी तक जितनी भी शादी देखी है टेलीविजन में, मेरे ख्याल से अगर ज़्यादातर भागी तो दुल्हन ही भागी है, पहली शादी होगी कि दूल्हा शादी छोड़ के भाग रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी टेलीविजन, मेरा फर्स्ट टीवी शो तो टेलीविज़न पे पहली शादी और उसी शादी में भाग रहा हूँ, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। दुल्हन देखिए, दुल्हन तो सबको वही पसंद आएगी जो सिंपल हो, सिंपल शादी सी हो, जो घर जैसे कहते हैं ना देश चला सकती है, तो घर चला सकती है देश के नहीं चला, इसी टाइप की हो जो कि घर को चला सके, घर मतलब अगर वो घर चला सकती है तो फिर कुछ भी कर सकती है, क्योंकि एक घर में अगर आप यूनिटी बना के रखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि लड़कियां जब ज़्यादातर सबको इंडिविजुअल उनकी मेंटालिटी होती है तो सब इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं, बट मेरा है कि मैं अपनी फैमिली को साथ लेके चलता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा कभी कुछ है तो वो जो मेरी वुड भी है वो भी पूरे घर को सबको एक साथ लेके चले। मैं मुझे तो सिंपल पसंद है, मुझे ज़्यादा ट्रेडिशनल पसंद नहीं है, ये एक्सपीरियंस काफ़ी है मेरे लिए कि ट्रेडिशनल शादी कैसी होगी, तो सिंपल अब तो डन, सिंपल डन। नहीं ज़्यादा कुर्ता पजामा नहीं, नॉर्मल जैसे होता है, हाँ यू कैन सी दैट वाइट, हाँ नॉर्मली नॉर्मल शेरवानी एंड रिसेप्शन छोटा मोटा उसमें सूट एंड ऑल, जैसे टिपिकल इंडियन स्टाइल शादी होती है सीधी सिंपल, दैट इज़ इट। वाइफ के लिए प्यारा सा
मेरी वाइफ, पर मेरी वाइफ है ही नहीं। अगर गाना हो तो वो उस टाइम डिपेंड करेगा कि वो वाइफ। अब भी बता दीजिए आपको क्या पसंद है। अब वो उसका वो भी तो मालूम होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है, कैसी होगी, तो उस हिसाब से गाना डेडिकेट करूँ। अभी तो माइंड में ऐसा कुछ बना भी नहीं है कि ऐसी वाइफ होना या ऐसी गर्लफ्रेंड होना। आपको कौन सा गाना याद आ रहा है, अपने हिसाब से? अगर आपको गाना हो तो मुझे ऐसे तो अभी कोई गाना याद नहीं है। अभी राइट नाउ आई एम टोटली ब्लाइंड, सीरियसली ये क्वेश्चन ही ब्लैंक हो गया मेरे। थैंक यू सो मच।